हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मरकस के मुताबिक उसका छठा बाब 7-13 आयत तक। उस वक्त यीशु इर्द गिर्द के गांव में तालीम देता फिरा, तब उसने 12 को पास बुलाया और उनको दो दो करके भेजना शुरू किया और उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और उन्हें हुक्म दिया कि रास्ते के लिए सिवा लाठी के कुछ ना लो, ना रोटी, ना थैली, ना अपने कमरबंद में पैसा, मगर चपलियाँ पहनो और दूध कुर्ते ना पहनो। और उनसे कहा, जहाँ तुम किसी के घर में दाखिल हो तो वहीं रहो जब तक कि तुम वहाँ से रवाना ना हो, और जिस जगह लोग तुम्हें कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने वहाँ से निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और वो रवाना होकर मुनादी करने लगे कि तौबा करो, और वो बहुत सी बदरूहों को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शिफा देने लगे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, अब वक्त आ गया था कि उन 12 को दुनिया में भेजा जाए। वो खुदावन से बेमिसाल तालीम हासिल करते रहे थे, उसकी लासानी निगरानी और तरबियत में रहे थे। अब उनको जलाली पैगाम के नकीब बनकर जाना था। उसने उन्हें दो दो करके भेजा। इस तरह दो गवाहों के मुंह से मुनादी की तस्दीक हो जाएगी, मजीद बरा इकट्ठे सफर करने में एक दूसरे की मदद और तकवीयत होगी, और दो की उन मकामात पर मौजूदगी मददगार साबित हो सकती है जहां कलीसियाओं की अखलाकी हालत कमजोर हो। इसके साथ ही खुदावन ने उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा। ये नहायत अहम बात है। बदरूहों को निकालना एक खास काम है, सिर्फ खुदा ही ये इख्तियार और कुव्वत अता कर सकता है। अगर खुदावन की बादशाही इस दुनिया की होती तो वो कभी वो हदायत ना देता जो आज के कलाम में दर्ज हैं। उन्हें इत्तकाद रखना था कि खुदा हमारी ज़रूरियात को पूरी करेगा। उनको सिर्फ अपनी जूतियाँ और लाठी साथ ले जाने की इजाज़त थी। लाठी गालिबन जानवरों से हिफाजत की गर्ज से थी। उनको कुर्ता भी सिर्फ एक ही पहनना था। यकीनन कोई शख्स भी शागिर्दों के मालो असबाब पर हसद नहीं कर सकता और ना इस तरह के दौलतमंद होने की उम्मीद से मसीहत के लिए कशिश महसूस कर सकता है। और जो इख्तियार और ताकत शागिर्दों को हासिल थी वो भी खुदा की तरफ से थी। उनका कामिल इन्हिसार उसी पर था, मगर वो खुदा के बेटे के नुमाइंदे थे, उसकी कुव्वत और इख्तियार से मुलब्बिस थे। यहाँ शागिर्दों ने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरुओं को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मल कर अच्छा किया। हम ईमान रखते हैं कि तेल से मसा करना एक अलामत है और रूह कुदस की तस्कीन बख्श कुव्वत की तस्वीर पेश करता है। Yeah.